हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द दी क्लास फोर्थ सब्जेक्ट मैथ्स टुडे वी आर रीडिंग चैप्टर सिक्स द जंक सेलर कबाडी वाली हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाली अ वूमन जंक क्या तुम कभी किसी कबाड़ी वाली से मिले हो जो कबाड़ बेचती है This is a true story told by Kiran, who has a junk shop in Patna. यह किरण की सच्ची कहानी है जिसकी पटना में कबाड़ की दुकान है आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज मैं गांव के एक हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ी हूँ मेरे पिता चाहते थे कि लड़कियाँ भी लड़कों की तरह पढ़ें मुझे हिंदी और विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता था लेकिन गणित से मुझे नफरत थी परंतु आज गणित ही मेरे सबसे ज़्यादा काम आता है आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल मैं स्कूल में यह कभी सोच भी नहीं सकती थी वॉट अबाउट यू डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफिकल्ट तुम क्या सोचते हो क्या तुम्हें भी गणित मुश्किल लगता है मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन योर मैथ्स बुक तुम्हें गणित की पुस्तक में सबसे कठिन क्या लगता है डू यू थिंक इज द इजीएस्ट लेसन तुम्हें उसमें सबसे आसान पाठ कौन सा लगता है इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इनके सामने अपनी बुक में लिखने हैं When I was young, my father died in an accident. So my mother worked as a servant in some houses. जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई इसलिए मेरी माँ को दूसरों के घर में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा हम बहुत मुश्किल समय से गुजरे मुझे कक्षा आठ के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा मैं और आगे पढ़ना चाहती थी लेकिन मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी माई हजबेंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मर्ड हाउस मेरे पति का परिवार एक कच्चे घर में रहता था उनके दो भाई और एक बहन स्कूल नहीं जाते थे मेरे पति की चाय की एक दुकान थी फाइंड आउट पता लगाओ हाउ मच फोर अ कप ऑफ टी एक कप चाय की कीमत Ask people and find out the cost of the cup of tea. लोगों से पूछकर एक कप चाय की कीमत मालूम करो एट अ टी स्टॉल एक चाय की दुकान पर एट अ होटल होटल में देखिए आपको एक कप चाय की कीमत पता लगानी है और जो कीमत एक चाय की दुकान पर होती है वह आपको इसके आगे लिखना है और जो नीचे है होटल में चाय की कीमत जितनी होती है उसको होटल के आगे लिखना है इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स रुपीज थर्टी इन अ डे हाउ मच विल ही लर्न इन टेन डेज अगर एक आदमी चाय की दुकान से एक दिन में तीस रुपए कमाता है तो वह दस दिन में कितना कमाएगा तो देखिए एक दिन में तीस रुपये कमाता है तो वह दस दिन में तीन सौ रुपये कमाएगा कैसे कमाएगा हम तीस तीस रुपये करके दस बार जोड़ेंगे तो हमारा तीन सौ रुपये आ जाएगा और तीस का इन टू हम दस में करेंगे तब भी हमारा तीन सौ आ जाएगा एंड इन अ मंथ और एक महीने में देखिए एक महीने में हम नॉर्मली तीस दिन लेते हैं तो तीस का इंटू जब हम तीस में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा नौ सौ रुपए अर्थात एक व्यक्ति यदि एक दिन में तीस रुपए कमाता है चाय बेचकर, कर तो वह एक महीने में नौ सौ रुपए कमाता है हाउ डिड यू गेट द आंसर डिस्कस तुमने ये जवाब कैसे निकाला बात करो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस मैंने अपना खुद का व्यापार करने की सोची कभी एक चूड़ी की दुकान खोलने की सोची तो कभी दर्जी की दुकान लेकिन मेरे चाचा ने कहा कि हम कबाड़ी की दुकान खोलकर ज्यादा कमा सकते हैं 2001 में मैंने और मेरी सास ने मिलकर कबाड़ी की दुकान खोली हमने दुकान के लिए आठ हजार रुपये उधार लिए फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन पता लगाओ उधार क्या है

किरण ने अपना कबाड़ का काम शुरू किया तो ऐसे ही यदि किसी को काम शुरू करना हो तो लोन अथवा उधार लेते हैं तो उसमें हमें ब्याज लगाकर देना पड़ता है तो अर्थात हम जितना धन लेते हैं या जितने रुपए लेते हैं उससे कुछ ज्यादा हमें देने पड़ते हैं हरिया एंड बाबू वॉन्ट टू वायट फोर रूपीज थ्री हंड्रेड हरिया और बाबू तीन सौ रुपये में हाथ ठेला खरीदना चाहते हैं हरिया कहता है आई हैव टेकन अ लोन ऑफ रुपीज थ्री हंड्रेड फ्रॉम अ बैंक फॉर सिक्स मंथ्स मैंने एक बैंक से तीन सौ रुपए उधार लिए छह महीने तक मैं इक्यावन रुपए प्रति माह बैंक को लौटाऊंगा अब बाबू कहता है बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ रुपीज थ्री हंड्रेड फ्रॉम चुन्नी लाल। मैंने चुन्नी लाल से तीन सौ रुपये लिए छः महीने बाद मैं उसे तीन सौ साठ रुपये लौटाऊंगा हु हैज टू पे बैक मोर हरिया और बाबू किसको अधिक पैसे लौटाने पड़ेंगे हरिया या बाबू को देखिए हरिया छ महीने तक इक्यावन रुपए पर मंथ भरेगा अर्थात हम इक्यावन इंटू छह करेंगे तो हमारा आंसर आएगा तीन सौ रुपये और बाबू छ महीने बाद तीन सौ साठ रुपये लौटा रहा है इट मीन्स बाबू ज़्यादा लौटा रहा है तो हम कह सकते हैं कि बैंक अपने पैसों पर कम ब्याज लेता है और यदि हम ऐसे किसी से लें तो वो ब्याज ज़्यादा लगता है पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आर वर्क दे कॉल्ड इट गंदा काम और डर्टी बिजनेस लोग हमारे काम के बारे में सुनकर बहुत हंसे और मजाक उड़ाया उन्होंने इसे गंदा काम कहा लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती मैं जानती थी कि मैं इस काम में सफलता प्राप्त करूंगी। नाव वी हैव आ पक्का हाउस विद इलेक्ट्रिसिटी

नेगेटिव बातों को ध्यान में ना रखकर स्वयं अपने काम में ध्यान लगाया तो वह सफल हुई I have nine of my own. मेरे अपने रिक्शे हैं मैं इन रिक्शों को बीस रुपए प्रति दिन प्रति रिक्शा के हिसाब से किराए पर देती हूँ लेकिन मैं रविवार को किराए का एक भी पैसा नहीं लेती हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम नाइन इन डे किरण नौ रिक्शा से रोज कितना है? सी गेट्स ट्वेंटी पर डे सो फोर नाइन रिक्शाज सी विल अर्न रुपीज एक रिक्शे से उसे बीस रुपए मिलते हैं इसलिए वह नौ रिक्शों से रुपए कमाएगी डिड यू डू इट तुम यह कैसे करोगे आई विल डू इट लाइक दिस देखो मैं इसे इस तरह करूंगा नौ बार दो हों तो अठारह होता है इसी तरह नौ बार बीस हो तो एक सौ अस्सी होगा बट आई फाइंड दिस इजियर फॉर टेनस रुपीज ट्वेंटी इंटू टेन इज इक्वल टू टू हंड्रेड रुपीज लेकिन मुझे इसका एक आसान सा तरीका मिल गया है दस रिक्सों के लिए उसे मिलेंगे बीस रुपए इंटू दस बराबर दो सौ रुपए उसके पास नौ रिक्शे हैं तो उसे कुल रुपए दो सौ में से हम बीस रुपए घटा देंगे तो एक सौ अस्सी रुपये मिलेंगे think of some other ways to do it क्या तुम्हारे दिमाग में इसको करने के लिए कोई और तरीका आता है हाँ, हम बीस में नौ का इंटू करके भी आंसर निकाल सकते हैं इन अ वीक हाउ मच डस किरण अर्न फ्रॉम वन रिक्शा किरण एक सप्ताह में एक रिक्शे से कितना कमा लेती है देखिए एक सप्ताह में सात दिन होते हैं जिनमें से किरण रविवार को रिक्शा का किराया नहीं लेती है अर्थात वह छः दिन का किराया लेती है तो एक रिक्शा एक दिन में बीस रुपए कमाई देता है तो बीस रुपए का इंटू हम छः से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एक सौ बीस रुपये टू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स अपने दिमाग में करें और उत्तर लिखें टू सिक्स जा ट्वेल्व ट्वेंटी सिक्स जा वन ट्वेंटी टू इंटू सिक्सटी वन ट्वेंटी थ्री इंटू फोर्टी टू वन ट्वेंटी सिक्स फोर इंटू एट्टी थ्री ट्वेंटी फोर इंटू एट्टी वन इज फोर मोर देन फोर इंटू एट्टी एम आई राइट फोर इंटू एट्टी वन फोर इंटू एट्टी से चार ज़्यादा है क्या मैं सही हूँ हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि जब हम फोर इंटू एट्टी वन करेंगे तब हमारा आंसर थ्री ट्वेंटी फोर आएगा जो कि थ्री ट्वेंटी से फोर ज़्यादा है नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव थर्टी वन इंटू नाइन इज इक्वल टू टू सेवेंटी नाइन आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप आई वॉ जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स देखिए अब फिर से क्या कहती है मेरी खुद की छोटी सी कबाड़ी की दुकान है मैं कबाड़ी वालों से कबाड़ खरीदती हूँ वे घर घर जाकर हाथ गाड़ी में कबाड़ इकट्ठा करते हैं मैं उनसे खरीद कर बड़ी दुकानों पर बेच देती हूँ हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक इस कबाड़ के लिए कितने रुपए दिए जाए किरण हेज वॉट कलेक्टर्स किरण ने कबाड़ी वालों से कुछ कबाड़ खरीदा Look up the rate list to see today's rates. आज की कीमत देखने के लिए मूल्य सूची देखो कबाड़ की कीमत मालूम करने में किरण की सहायता करो वन के जी न्यूज पेपर कॉस्ट रुपीज फाइव एक किलो अखबार पाँच रुपये में बिकता है तीस किलो की कीमत हुई फाइव इंटू थर्टी इज़ इक्वल टू वन फिफ्टी रुपीज़ इकतीस किलो अखबार के लिए उसे देने होंगे वन फिफ्टी फाइव रुपीज़ हम कैसे करेंगे ये थर्टी वन इंटू फाइव कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइव रुपीज हाउ मच विल किरण पे फोर फोर्टी टू के जी न्यूज पेपर किरण को बयालीस किलो अखबार के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा देखिए अब हम बयालीस में पाँच का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आएगा हमारा आंसर 210 अर्थात 210 हंड्रेड टेन रुपीज ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ नीचे लिखी वस्तुओं की कीमत पता करो ए 22 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक देखिए ये पास में ब्लू कलर में रेट लिस्ट दी गई है इसमें देखकर हमें वस्तुओं की कीमत पता करना है इसमें प्लास्टिक की कीमत टेन रुपीज़ पर केजी दी गई है तो, तो ट्वेंटी टू के प्लास्टिक की कॉस्ट वैल्यू होगी टू हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ अर्थात दो सौ बीस रुपये अब हमने ये कैसे निकाला हमने बाईस का इंटू दस में किया तो हमारा आंसर आ गया दो सौ बीस रुपए बी ट्वेंटी थ्री के जी ऑफ वेस्ट पेपर देखिए वन के जी वेस्ट पेपर का रेट है फोर रुपीज़ तो हम ट्वेंटी थ्री इंटू फोर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नाइन्टी टू रुपीज़ अर्थात बानवे रुपए तीस किलो वेस्ट पेपर को चार रुपए प्रति किलोग्राम खरीदने में किरण को देने होंगे सी ट्वेल्व किलोग्राम ऑफ आयरन बारह किलोग्राम आयरन का क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट वैल्यू कितनी होगी वन के जी आयरन ट्वेल्व रुपीज़ का है तो ट्वेल्व के जी आयरन कितने का होगा तो देखिए हम ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा वन फोर्टी फोर रुपीज़ अर्थात किरण ट्वेल्व के जी आयरन खरीदेगी तो उसे वन फोर्टी फोर रुपीज़ देने होंगे कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग क्या तुम इसे बिना लिखे कर सकते हो गैस द टोटल मनी किरण विल पे टू द जंक कलेक्टर्स सोचो किरण ने कबाड़ी वाले को कितने पैसे दिए होंगे छ सौ रुपए से ज्यादा या छह सौ रुपए से कम देखिए हमने प्लास्टिक जो खरीदी थी उसके लिए दो सौ बीस रुपए वेस्ट पेपर के लिए बानवे रुपए और आयरन के लिए हमने एक सौ चवालीस रुपए दिए जब हमने इन सबको ऐड किया तो टोटल रुपए हुए चार सौ छप्पन जो कि छह सौ रुपए से कम है अर्थात किरण ने छह सौ रुपए से कम रुपए दिए स्मार्ट किरण सेल्स द जंक सयानी किरण का कबाड़ बेचना देखिए किरण ने कबाड़ा अभी खरीदा है अब ये बेच रही है तो कैसे बेचती है किरण कबाड़ा चलिए हम देखते हैं किरण सेल्स हर जंग टू बिग शॉप किरण अपना सारा कबाड़ बड़ी दुकान पर बेच देती है पहले वह मोबाइल फोन से कीमत पूछती है और तभी बेचती है जब उसे अच्छी कीमत मिलती है टुडे शी हैज गोइंग टू सेल प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन एंड ब्रास एट दीनूज बिग शॉप आज फिर वह दीनू की बड़ी दुकान पर प्लास्टिक अखबार लोहा और पीतल बेचने गई दीनू ने 32 किलो लोहा चार किलो पीतल एक सौ बावन किलो अखबार और तिरठ किलो प्लास्टिक तोला हाउ मच विल पे प्लास्टिक दीनों ने तिरसठ किलो प्लास्टिक के बदले कितना पैसा दिया द रेट ऑफ वन के जी प्लास्टिक इज रुप ट्वेल्व सो कॉस्ट ऑफ सिक्स थ्री के जी प्लास्टिक विल भी रुपीज into 63 देखिए एक किलो प्लास्टिक की कीमत बारह रुपए है इसलिए तिर किलो प्लास्टिक की कीमत रुपए होगी दिनों की रेट लिस्ट राइट साइड में ब्लू कलर में दी गई है ट्वेल्व इंटू टाइम्स देखिए ये आंट कहती है 63 12, का मतलब हुआ त्रेसठ संख्या बारह बार बारह बार साठ हुआ सात सौ बीस अतः उत्तर सात सौ बीस से ज्यादा होगा और हार्ट से कम होगा बता सकती हो क्यों दीनू एडिट द नंबर्स इन द बॉक्सेस दीनू ने बॉक्स में अंकों को जोड़ा 600 120 30 और 6 इन सबको जोड़ा तो आंसर आया सो so, kg plastic, 756 सो 463 केजी प्लास्टिक दीनू विल गिव ₹756 इसलिए तिरसठ किलो प्लास्टिक के लिए दिनों सात रुपए देगा किरण बॉट वन केजी प्लास्टिक फॉर रुपीज़ टेन बट सोल्ड वन केजी प्लास्टिक फॉर रुपीज़ ट्वेल्व किरण ने एक किलो प्लास्टिक दस रुपये का खरीदा एक किलो प्लास्टिक बारह रुपये का बेचा एक किलो प्लास्टिक बेचने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे दो बचे थ्री so, के जी फिर त्रेसठ किलो बेचने के बाद वह कितना पैसा कमाएगी देखिए एक किलो पर उसे दो रुपए का लाभ हो रहा है तो हम सिक्सटी थ्री इंटू टू रुपीज कर देंगे अर्थात उसे सिक्सटी थ्री किलोग्राम प्लास्टिक बेचने पर वन ट्वेंटी सिक्स रुपीज का लाभ होगा किरण सेल्स थर्टी टू किलोग्राम आयरन ने किलो बत्तीस लोहे के लिए कितने पैसे देगा किरण वाइज वन किलोग्राम आयरन फोर रुपीज ट्वेल्व, बट सेल्स इट फोर फोर्टीन। हाउ मच 10 सीआरएन वैन सीसेल्स 32 किलोग्राम आयरन। देखिए किरण एक किलो लोहा 12 रुपए में खरीदती है और 14 रुपए में बेचती है। यदि किरण 32 किलो लोहा बेचे तो वह कितना पैसा कमाएगी? देखिए एक किलो पर वह 2 रुपए कमा रही है। तो 32 किलो पर उसे 64 रुपीस का लाभ होगा अर्थात वह ३० किलो लोहा बेचने पर चौंसठ रुपये कमाएगी वट विल दी नो पे फोर वन किलोग्राम न्यूज़पेपर? पेपर 152 किलो अखबार की रद्दी के लिए दीनू कितने पैसे देगा द रेट ऑफ वन किलोग्राम न्यूज पेपर इज रुपीज सिक्स सो द कॉस्ट ऑफ वन किलोग्राम न्यूज पेपर इज रुपीज सिक्स इंटू वन फिफ्टी टू देखिए एक किलो अखबार की कीमत है छः रुपये अतः एक सौ बावन किलो अखबार की कीमत होगी छः इंटू एक सौ बावन रुपये देखिए अब हम इसे कैसे देखेंगे देखिए दीनू ने ऐसे लिखा है पहले सौ लिखा है फिर पचास फिर दो सौ का इंटू छ में किया तो कितना आया छह सौ आया फिर पचास का इंटू छ में किया तो कितना आया तीन सौ आया दो का इंटू छ में किया तो बारह आया ऐसे समझना आसान है देखिए ये पास में लिखा भी है छ इंटू सौ बराबर छः सौ इसलिए उत्तर छः सौ से अधिक होगा क्या उत्तर एक हजार से कम आएगा तुमने अंदाजा कैसे लगाया देखिए पचास का गुणा जब हम छः में करेंगे तो हमारा आंसर तीन सौ रुपये आ रहा है और दो का गुणा छः में किया तो दोबारा आया तो हमने अंदाजा लगाया कि उत्तर एक हजार रुपये से कम आ रहा है देन हीयर्स द नंबर्स इन द बॉक्सेस उसने फिर बॉक्स में अंकों को जोड़ा सिक्स हंड्रेड थ्री हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड इन सबको ऐड किया तो कितना आया? 912. I bought one kilogram मैंने एक किलो पाँच में खरीदा लेकिन छह रुपये में बेच दिया मैंने एक सौ बावन किलो अखबार बेचकर कितने पैसे कमाए देखिए एक किलो अखबार पर एक रुपये बचा तो 152 किलो अखबार पर एक सौ बावन बचे अर्थात किरण ने 152 किलो अखबार बेच कर एक सौ कमाए सो फोर वन किलोग्राम न्यूज पेपर ही विल गिव किरण रुपीज नाइन इसलिए 152 किलो, किलो अखबार के लिए वह किरण को नौ सौ देगा वट डज दीनू पे फॉर ब्रास दीनू ने पीतल के लिए कितना पैसा दिया हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर किलोग्राम ब्रास चार किलो पीतल के लिए दीनू को कितने पैसे देने पड़ेंगे पहले आंसर का अंदाजा लगाए फर्स्ट गैस द आंसर एंड देन कैलकुलेट पहले अंदाज़ा लगाओ फिर गणना करो नीचे ये जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं इनका पहले हमें अंदाजा लगाना है और फिर कैलकुलेट करके लिखना है तो हम चलिए पहला करते हैं थर्टी सेवन इंटू एटीन इज इक्वल टू सिक्स 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 अर्थात हम सैंतीस का इंटू अठारह में करेंगे तो हमारा आंसर आएगा Six hundred sixty-six. B forty-five into twenty-four is equal to one zero eight zero. Next sixty-nine into fifty-two is equal to three five eight eight. D seventy-seven into fifty-five is equal to four two three five. E one forty-two into Five is equal to seven one zero F three eighty two into three is equal to one one four six G two into one seven five is equal to three five zero H four into two zero six is equal to

उसने दीनू की बड़ी दुकान पर कबाड़ बेचा और दीनू ने उसे नीचे दिखाए गए नोट और सिक्के दिए देखिए ये सिक्के जो हमें दिखाए गए हैं और नोट ये दीनू ने किरण को दिए हैं किरण रोड द रिकॉर्ड इन हर डायरी किरण ने अपनी डायरी में कुछ इस तरह लिखा मनी आई पेड रुपीज एट फोर वन देखिए मैंने दिए अर्थात किरण ने कितने रुपए दिए आठ सौ इकतालीस रुपए मनी आई गॉट अर्थात मुझे मिले किसे मिले किरण को देखिए पहले उसे छह सौ रुपये मिले फिर एक सौ पचास एक सौ चालीस साठ चालीस और फिर चार इन सबको जब उसने जोड़ा तो उसके टोटल रुपीज़ हो गए नाइन नाइन फोर और उसने दिए कितने थे एट फोर वन अब हम रुपीज नाइन नाइन फोर में से रुपीज एट फोर वन को माइनस करेंगे तो जितना किरण ने कमाया हमें वो मिल जाएगा तो हमने जब माइनस किया तो हमें मिला वन फिफ्टी थ्री तो किरण ने कितने रुपए कमाए अर ने वन फिफ्टी थ्री रुपीज कमाए और इस प्रकार हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ थैंक यू